अक्सर विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत इन दिनों नए बखेड़े की वजह से चर्चा में हैं। दरअसल 40 साल की उम्र में राखी ने शादी कर ली है, लेकिन इस शादी के बारे में एक अजीब बात यह है कि शादी हो जाने के बाद भी अभी तक किसी ने दूल्हे की एक झलक भी नहीं देखी है। मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र पहने राखी की तस्वीरें तो खूब वायरल हुई। दुल्हन बनी ड्रामा क्वीन ने अपनी शादी की बात भी कबूल कर ली, लेकिन वो अपने पति को किसी से नहीं मिलवा रही हैं। इतना ही नहीं, दूल्हे के सामने नहीं आने के पीछे राखी अजीब अजीब कारण भी बता रही हैं। बता दें कि हाल ही में राखी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उनके पति मीडिया के सामने नहीं आते हैं। राखी ने कहा कि मेरे पति को मीडिया वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें किसी के सामने नहीं आना, जबकि शादी तो परिवार के बीच होती है, दुनिया को थोड़ी ही बुलाना होता है। इससे पहले राखी सावंत ने कहा था कि मेरे पति रितेश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करते हैं, वो ट्रंप की टीम का एक अहम हिस्सा हैं। राखी सावंत ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था कि मेरा पहला टीवी इंटरव्यू देखने के बाद वो मेरे फैन हो गए थे। उन्हें जानने के बाद मैंने जीसस से बहुत प्रार्थना भी की थी कि मैं उनकी ही पत्नी बनूं। हमने व्हाट्सएप पर चैट शुरू किया, उन्होंने व्हाट्सएप पर भी मुझे प्रपोज किया था। मेरी मॉम, भाई और सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। होटल में हमने हिंदू और क्रिश्चियन वेडिंग की, उसी दिन पहले कोर्ट मैरिज की थी। उससे पहले स्पॉट बॉय को दिए एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने अपने बच्चे के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि मैं अगले साल 2020 में मां बनने के बारे में सोच रही हूं। खबरों की माने तो राखी ने NRI बिजनेसमैन रितेश से शादी की है। इससे पहले उन्होंने यूट्यूबर दीपक कलाल से भी शादी की घोषणा की थी। दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन वो भी बात बिल्कुल झूठी निकली। राखी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने 28 जुलाई को JW मैरियट में एक रूम में शादी कर ली थी, लेकिन डर की वजह से उन्होंने शादी की बात किसी से साझा नहीं की थी। वो इस बात से डर गई थी कि उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार राखी के पति लंदन में रहते हैं और राखी का ही कहना है कि वो शादी के बाद भी भारत में ही रहेंगी। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।